हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज दिन है शुक्रवार का और अभी टाइम हो रहा है शाम के 6:30 हो रहे हैं और मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं ड्यूटी से और बच्चे दोनों अभी सोए हुए हैं। सारे दिन हल्ला गुल्ला मचा के उधम मचा के अब इस टाइम पे सो गए हैं दोनों बच्चे। और आज वानी के पापा को थोड़ा कोल्ड हो रहा था तो मैं सोच रही हूँ इनके लिए काढ़ा बना देती हूँ। तो मैं जाती हूँ किचन में और फटाफट से इनके लिए काढ़ा बना देती हूँ। तो चलिए फिर किचन में चलते हैं और आप लोगों को भी दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ काढ़ा। तो काढ़ा बनाने के लिए मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने ले लिया है यहाँ पे एक पतीला, क्योंकि हमारे पास चाय वगैरह बनाने के लिए ना कोई बर्तन वगैरह नहीं है और चाय का कोई सामान भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम दोनों ही नहीं पीते हैं चाय। कभी कभार मेरा मन करता है तो पी भी लेती हूँ मैं, तो मैं इसी पतीले में बना लेती हूँ अपने लिए। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े गिलास से एक गिलास पानी ले लिया है। अब इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं और फिर मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ चाय पत्ती का। चाय पत्ती थोड़ा सा ही यूज़ कर रही हूँ मैं, आप लोग देख सकते हैं। तो क्योंकि ना काढ़े में थोड़ा कम ही यूज़ होती है चाय पत्ती, और साथ में मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ अदरक का। देखिए सूख के कैसी हो गई, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है और आजकल यूज़ नहीं हो रहा ना अदरक, तो रखे रखे ऐसा ही हो जाता है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें एक दालचीनी का टुकड़ा और दो ये तुलसी पत्ते हैं और है ये है ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च। और साथ में मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 3 से 4 लौंग हैं और एक छोटी वाली हरी इलायची है। अगर आप कूट के डालना चाहें तो कूट के भी डाल सकते हैं। इसको मैंने ऐसे ही डाल दिया साथ में, क्योंकि फिर इसको पकाना ही है काफ़ी देर तक तो इसका फ्लेवर तो आ ही जाता है। तो यहाँ पे मैं साथ में यूज़ कर रही हूँ चीनी का। यहाँ पे मैंने चीनी डाल दी है और अब मैं इसको गैस को कर दूंगी सिम पे और 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से इसको पकाएंगे, ताकि हमने जितनी भी चीज़ें इसमें यूज़ करी हैं उनका फ्लेवर अच्छे से आ जाए इस काढ़े में। और काढ़ा ना सच में कोल्ड जब हो रहा होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा रिलीफ देता है। तो यहाँ पे मैंने एक नींबू लिया है, जब ये बन जाएगा तो उसके बाद मैं इसमें नींबू का रस डालूँगी। तो यहाँ पर अब मैं इसको छोड़ देती हूँ थोड़ा देर के लिए, उसके बाद दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए काढ़े की जो क्वांटिटी है वो कितनी कम हो गई है और इसका कलर भी पूरी तरीके से चेंज हो गया है। जितनी भी चीज़ें हमने इसमें यूज़ करी है उनका फ्लेवर इसमें अच्छे से आ चुका है। और अब मैं इसमें एक अच्छा सा उबाल और लगाऊंगी और उसके बाद कर देंगे गैस ऑफ और इस काढ़े को कर देंगे कप में ट्रांसफ़र पीने के लिए। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से उबाल आ गया है और अब मैं कर रही हूँ गैस ऑफ और अब इसको कर देते हैं कप में ट्रांसफ़र। तो मैंने यहाँ पर 2 कप ले लिए हैं, मैंने सोचा थोड़ा सा मैं भी ले लेती हूँ, क्योंकि आजकल जो ये धूल मिट्टी की वजह से ना सभी के गले में दिक्कत हो रही है, तो काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है इससे। तो मैंने यहाँ पे अपने लिए भी ले लिया है थोड़ा सा और तो इनको थोड़ा ज़्यादा दे दिया है और इसमें अब मैं नींबू का रस निचोड़ लूँगी और उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट सा आ जाता है और पीने में ना अच्छा लगता है। मतलब ये जो खड़े मसाले इन सब चीज़ों का जो एक हार्ड फ्लेवर सा होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने नींबू निचोड़ लिया है। तो आप सब लोग भी काढ़ा पी लीजिए, आजकल सभी के गले में दिक्कत हो रही है। तो काढ़ा वगैरह पी के मैं आ गई थी सब्ज़ी लेने के लिए और अभी टाइम भी हो गया है, रात के 7:30 हो गए हैं। और दिन ये ले आते हैं ऑफिस से आते टाइम सब्ज़ी और ये सब्ज़ी वाले के पास खड़े होकर रोज़ मुझे कॉल करते हैं कि क्या लाना है। तो मैं इनको बोल देती हूँ कि जो दिख रहा है वही ले आओ और ये जैसी घर ले कर पहुँचते ना कोई भी सब्ज़ी, तो मैं बोल देती हूँ छी ये ले आए वो ले आए। तो इन्होंने मुझे बोला कि आज तू चली जा सब्ज़ी लेने, देखता हूँ क्या उठा के लाती है तू। सच में ना मतलब सब्ज़ी वाले के पास जाके कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या लेना चाहिए, क्योंकि आजकल जो ये गर्मियों की सब्जी है ना बिल्कुल सूखी सूखी सी, कोई भी सब्जी ऐसी नहीं है कि जिसे देख के मन करे कि ये ले लो। तो यहाँ पे मैंने आलू लौकी और तोरी जो कि सीजन में आजकल यही चलता है तो यही ले लिया था, अदरक ले लिया था साथ में। तो सब्जी वगैरह ले ली मैंने और मैं आ गई हूँ इधर गोलगप्पे खाने के लिए। और बहुत कम घर से निकलना हो पाता है और आजकल गर्मी की वजह से भी और फिर बच्चों की वजह से भी मैं तो बिल्कुल निकल ही नहीं पाती हूँ। तो मैंने सोचा चलो अभी आए हैं तो खा लेते हैं गोलगप्पे। तो यहाँ पे आंटी जी लोग खा रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही थी, 2-3 लोग पहले से ही लाइन में खड़े थे। तो मैं अभी यहाँ पर अपनी टर्न का वेट कर रही हूँ और साथ में भैया बना रहे थे यहाँ पर स्ट्रीट स्टाइल चाउमीन, जो कि बहुत ही यम्मी लग रही थी देखने में। तो यहाँ पे आ गई है मेरी टर्न और आप लोग देखिए सब्जी वगैरह हाथ में लटका के मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे रिलैक्स होकर के गोलगप्पे खाने के लिए। और यहाँ पे जो भैया ना गोलगप्पे सेल कर रहे हैं वो बिहार साइड के हैं, पता नहीं कहाँ के हैं बता रहे थे वो, और यहाँ पे शहर में आए हुए हैं और ऐसे गोलगप्पे वगैरह सेल कर रहे हैं। तो वो यहाँ पर मेरे से ये बात कर रहे थे, मतलब पूछ रहे थे कि आपकी बेटी कितने साल की है। तो मैंने उनको बताया कि इसको अभी अभी 4 ईयर कम्प्लीट हुए हैं। तो उनको ना बानी को देख करके अपनी बेटी की याद आ गई, वो ऐसा बोल रहे थे उनकी बेटी 6 ईयर की है। और
बोल रहे थे सेम ऐसी दिखती है और हाइट भी इतनी है, तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए बानी को देख के। तो मैं यहाँ पे लगी हुई हूँ गोलगप्पे खाने में। तो गोलगप्पे वगैरह खा के मैं आ गई थी इधर बानी को गन्ने का जूस पिलाने के लिए, क्योंकि ये गोलगप्पे नहीं खाती है ना, जो आई थी मेरे साथ, तो मैंने सोचा चलो इसको भी जूस पिला देते हैं, क्योंकि बच्चे भी तो कहाँ बाहर निकलते हैं। हमारे तो ऐसी है, मतलब जब हम बाहर निकलते हैं तभी पी लिया, बाकी घर लाने तक तो थोड़ा अजीब सा हो जाता है ना, यहीं पर फ्रेश फ्रेश पीने में ही मज़ा आता है जूस वगैरह। तो वैसे तो बान के पापा ले भी आते हैं कभी कभार घर, लेकिन अच्छा नहीं होता है घर लाने के बाद, अजीब सा हो जाता है। तो यहाँ पर वो पी रही है। तो इसके बाद मैं आ गई हूँ सीधे किचन में, और अभी टाइम हो गया है, रात के 8:30 हो गए हैं, और मैं बना रही हूँ यहाँ पे आलू तोरी की सब्ज़ी, जो कि अभी भी लेके आई हूँ मैं। और ये कढ़ाई में ना साइड में मेरे से बॉर्नविटा गिर गया था, तो गर्म कढ़ाई में एकदम से पिघल गया, वो कढ़ाई बिल्कुल गंदी गंदी सी लग रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने हींग जीरा वगैरह डाल के प्याज वगैरह डाल दिए हैं यहाँ पर, और सिंपल सी ही सब्ज़ी होती है आलू तोरी की, तो वही मैं यहाँ पर फटाफट से बना ले रही हूँ। तो तोरी और आलू मैंने एक साथ काट दिए हैं, यहाँ पर काटा हुआ टमाटर और प्याज वगैरह हो जाए, उसके बाद डालेंगे टमाटर और मसाले, और फिर उसके बाद अपना ये कटा हुआ आलू और तोरी, बस बन जाती है सब्ज़ी। बहुत ही आसान होती है ये वाली सब्ज़ी, तो मेरे को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर ठीक है, अब मार्केट में कोई और सब्ज़ियाँ आ भी तो नहीं रही हैं। जब मैं लेके आई थी ना, तो मेरे हस्बैंड यही बोल रहे थे कि अभी यही सब्ज़ी अगर मैं लाया होता तो तुम हल्ला मचाते। मुझे पता नहीं, मतलब तोरी की सब्ज़ी पसंद ही नहीं है। हमारे जो गांव में तोरी होती है ना, वो थोड़ा अलग होती है, उसकी सब्ज़ी अच्छी होती है, लेकिन ये देसी तोरी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है बस। लेकिन मैं खा लेती हूँ, कोई भी ऐसी सब्ज़ी नहीं है जिसको मैं नहीं खाती हूँ, पर एक होता है ना अंदर से ही किसी किसी सब्ज़ी को देख के अजीब सा हो जाता है, तो वो मेरा तोरी के साथ और लौकी के साथ है। लौकी की सब्ज़ी तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पर कोई बात नहीं, मतलब सब कुछ खा लेती हूँ मैं। तो यहाँ पर बस मैं मसाले वगैरह डाल के फटाफट से इसको चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी है और कढ़ाई को रख दिया है साइड वाले चूल्हे पे, और इधर चढ़ा दिया है मैंने तवा, और मैंने सोचा जब तक सब्ज़ी पक रही है तब तक मैं साथ के साथ रोटियाँ भी सेक लेती हूँ, क्योंकि आजकल जो गर्मियों में रोटियाँ बनाना जो है ना, एक जंग जीतने के बराबर है सच में। इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है ना, पसीना पसीना हो जाती है किचन में, चाहे दिन का खाना हो सुबह का ही खाना क्यों ना हो, बहुत मुश्किल हो जाती है मतलब। तो मैं यहाँ पर फटाफट से रोटियाँ भी सेक लेती हूँ। तो यहाँ पे बन चुकी हैं मेरी रोटियाँ भी, और साथ में इधर सब्ज़ी भी बनी रही है अभी तक, और मैं चेक कर रही थी यहाँ पे सब्ज़ी को, तो सब्ज़ी भी बन के हो गई है बिल्कुल रेडी। और
अब चलते हैं फटाफट से खा लेते हैं, 9:30 हो गए हैं पूरे। तो यहाँ पे मैंने प्लेट में लगा दी थी सब्जी, क्योंकि ना काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रही थी। कटोरे में रखो तो फिर गर्म ही रहती है, तो ऐसे प्लेट में जल्दी ठंडी हो जाती है, इसलिए मैंने प्लेट में रख दी है। साथ में भिंडी की सब्जी भी है जो कि कल की है। और बस हम खाते हैं, यहाँ पे बैठी हुई है बानी, इसके पापा खिला रहे हैं इसको, अपने हाथ से अभी तक नहीं खाती है ये। और ये बैठी है दिविशा मेरी गोद में, और ये हूँ मैं। तो आप सब लोग भी हमारे साथ डिनर कर लीजिए, तोरी की सब्जी रोटी। आगे आप लोग यहाँ पे देखिए, दिविशा को ना मैंने एक टुकड़ा रोटी का दिया था ना, तो थोड़ा सा उसने अपने मुंह में लिया और इतने प्यार से खा रही थी, तो इतना बढ़िया लग रहा था ना इसका मुंह देखने में, बहुत ही प्यारा आ रहा था मेरे को इस पे। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। वैसे भी बच्चों को तो कोई भी टॉयज़ दो, कुछ भी दो, वो सीधे मुँह में ही डालते हैं, अभी उनको ये सब चीज़ें पता नहीं होती हैं क्या चीज़ खाने वाली है क्या नहीं है। तो वही है, यहाँ पर पहली बार मैंने उसके हाथ में ऐसे एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा दिया और वो अपने आप मुँह में डाल रही थी, तो अच्छा लग रहा था देख के, तो मैंने सोचा चलो रिकॉर्ड कर लेती हूँ मैं इसको। तो खाना पीना हमारा हो गया है, और अभी ना हमारे दूध वाले भैया नहीं आए हैं, और टाइम हो गया है 9:30। आजकल वो काफ़ी लेट कर दे रहे हैं, 10 बजे तक आते हैं, तो हम लोग खाना वगैरह खा के उन्हीं का वेट कर रहे होते हैं। और बच्चों को भी नींद आ रही होती है, बानी को भी नींद आ रही है, लेकिन बिना दूध पिलाए सुलाते नहीं हैं। अब दूध वाले का वेट करते हैं, फिर दूध गर्म करो, फिर उसको फटाफट से पानी वगैरह में वो करके ठंडा करते हैं, तब इसको देते हैं, क्योंकि सोने के लिए भी लेट हो जाते हैं ना। तो चलिए फिर आज का ये ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट।